हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज दीपांशु एंड वेलकम टू द लर्नोलॉजी कोडिंग। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम विजार्ड को किसी भी फंक्शन कंप्लीट होने के बाद क्लोज होने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेन्यू के थ्रू हम विजार्ड को कैसे कॉल करा सकते हैं, कैसे ओपन करा सकते हैं। सो हमें विजार्ड को मेन्यू से ओपन कराने के लिए क्या करना होता है, जो हम मेन्यू टैग डिफाइन करते हैं मेन्यू को शो कराने के लिए, उसमें जो एक्शन हम यूज़ करते हैं उसमें हम एक्शन आईडी यूज़ करते हैं जो हम विजार्ड का एक्शन बनाते हैं उसकी। सो अभी हमारे फ्रंट एंड पे सिर्फ एक ही मेन्यू है अवर टीम, बट हम चाहते हैं कि हम एक और मेन्यू ऐड करें जिस पे क्लिक करने के बाद विजार्ड ओपन हो, जो हमने अपडेट इन्फो के लिए बनाया था। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेन्यू टैग बनाएंगे जिससे हमारा मेन्यू शो होगा फ्रंट एंड पे। तो हम अपने मॉड्यूल के अंदर यहाँ मेन्यू टैग बनाते हैं। सबसे पहले व्यूज़ के अंदर हम सबसे पहले यहाँ जो मेन्यू टैग बना हुआ उसको कॉपी कर लेते हैं, और सेम हम जिस तरह से हमने ये बाकी मेन्यू बनाए थे सेम उसी तरह से हम ये मेन्यू भी बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आईडी बनाते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज करते हैं जो हम मेन्यू बनाएंगे फ्रंट एंड पे शो होने के लिए। तो हम लिख देते हैं ओपन विजार्ड, और यहाँ पर हम पेरेंट जो रखेंगे हम ये वाला रखेंगे मेन रेस्टोरेंट वाला जो है हमारा, तो हम यहाँ पर इसकी पेरेंट आईडी देंगे मॉड्यूल नेम डॉट आईडी, एंड यहाँ पर हम सीक्वेंस टू कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट पे हमारा अवर टीम वाला जो मेन्यू है वो है, सॉरी जो हमारा अवर टीम का जो मेन्यू था इसका सीक्वेंस 10 था। तो हम यहाँ अगर 10 से लेस नंबर डालेंगे कोई भी तो अवर टीम से पहले विजार्ड वो आएगा शो करेगा, और अगर 10 से ऊपर अगर हम कोई भी नंबर यूज़ करते हैं तो फिर अवर टीम के बाद हमारा मेन्यू शो होगा। तो हम यहाँ 11 कर देते हैं, एंड एक्शन में हम विजार्ड के एक्शन की एक्सटर्नल आईडी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं जो हमने विजार्ड बनाया था। सो ये हमारे विजार्ड का एक्शन था, तो हम यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ इसके एक्शन में डाल देंगे, और स्टार्टिंग में मॉड्यूल नेम एज इट इज़ रहेगा। सो अब हमारा एक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा फ्रंट एंड पे, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो अभी हम अपग्रेड करते हैं मॉड्यूल और फ्रंट एंड पे चलते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड हमें यहाँ पर एक मेन्यू शो हो गया ओपन विजार्ड, जिस पर क्लिक करने पर ये विजार्ड ओपन हो रहा है। सो इस तरह से हम मेन्यू से विजार्ड कॉल करा सकते हैं अपने फ्रंट एंड पे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।